नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सुब्रत चौहान और आप देख रहे हैं फिश इन्फो चैनल। दोस्तों, मछली पालन करने के टाइम हमें काफ़ी सारा प्रॉब्लम का भी सामना करना पड़ता है। इसमें से एक प्रॉब्लम है पक्षी। आप जब तालाब में मछली छोड़ते हैं तो कुछ पक्षी है जो मछली को खाती है, जिससे किसानों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होने लगता है, क्योंकि मछलियाँ अगर तालाब में नहीं रहेगी तो नुकसान तो होगा ही। तो इसका सलूशन क्या है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग इससे परेशान रहते हैं, इसका सलूशन निकालने की कोशिश करते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा इसका सलूशन क्या है, किस तरह से इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हैं और कौन कौन चीज़ मैं कर रहा हूँ, सब कुछ मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊँगा। तो ध्यान से वीडियो को देखिए और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें। तो दोस्तों, सबसे बड़ी जो चीज़ देखा जाता है वो है पनकौवा। इस पक्षी तो को आप कई बार देखते होंगे, सबसे ज़्यादा मछली यही पक्षी खा जाती है। इस पक्षी को हम लोग मार नहीं सकते हैं, क्योंकि नियम का विरुद्ध है और ये पक्षी एनवायरनमेंट के लिए ज़रूरी है। तो ये पक्षी को रोक तो सकते हैं, तो रोकने का जो तरीका है मैं आपको बताऊंगा। और ये जो पक्षी आप देख रहे हैं टैंक में घूम रही है, ये इसी टैंक में आई थी, तो ऊपर से नेट लगा हुआ था, फंस गया था। फिर हमने इसको पकड़ा और कुछ समय के बाद छोड़ दिया। मैंने पकड़ा इसीलिए कि इस टॉपिक पर एक वीडियो बना दिया जाए जिससे आप समझ पाओ, तो इसीलिए इसको पकड़े थे, फिर कुछ देर बाद इसको छोड़ दिए थे। तो पक्षी को मारना बिल्कुल ही सही नहीं है, पहले ही बता रहा हूँ। मान लो कुछ पक्षी को नहीं मारे तो ही अच्छा, लेकिन इसको तालाब में घुसने से आप रोक सकते हैं। पक्षी है, बिल में जाए, बारा नदी में जाके अपना शिकार कर सकती है, लेकिन मारना बिल्कुल ही सही नहीं है। तो गाइस चलिए जानते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे अगर छोटी साइज़ का मछली है आपका तालाब में तो ये पक्षी काफ़ी ज़्यादा नुकसान कर सकता है, लेकिन अगर आपका तालाब में बड़ा साइज़ का मछली है जिस मछली को ये पक्षियाँ खा नहीं पाती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन छोटा मछली में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो इसके लिए सलूशन जो है वो है नेट से आप अपना तालाब का ऊपर की तरफ से एक सेफ्टी दीवार तैयार करें, जिसे पक्षी तालाब के अंदर तक ना घुस पाए। तो इसके लिए एक नेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसको देख रहे हैं, और इसके लिए हम नेट लिए हैं प्लास्टिक वाला और दो तरह का धागा लिए हैं, जिसे एक साइड से लगाएंगे और दूसरे को हम इसको जोड़ने के काम लगाएंगे। तो यहाँ पे ये जो नेट है इसको जोड़ना पड़ता है, क्योंकि ये नेट का जो साइज है लगभग 2.5 फीट 3 फीट के आसपास होती है चौड़ाई में, तो इसको जोड़ जोड़ के इसका चौड़ाई लंबाई सब कुछ बनाना पड़ता है। तो इसके लिए पतला वाला एक रस्सा की मदद से इसको जोड़ दिया जा रहा है, और ये नेट जोड़ने के बाद उलझती जाता है, तो इसको सही तरीके से मेंटेन करना ज़रूरी है। अगर आप सही तरीके से इसको ठीक ठाक करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती है। कई बार आप इस नेट को खोलकर दूसरा तालाब में भी सेट कर सकते हैं। तो सही से इसको मेंटेन करेंगे तो इस नेट को 3-4 बार आप बहुत आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये नेट लगभग 2 से 2.5 साल 3 साल तक चल जाती है, अगर आप सही से इसको मेंटेन करते हैं। तो ये जो नेट है वो प्लास्टिक वाला नेट है, ये लगभग मैंने 300 या 320 रुपये किलो में खरीदा था, और कुछ घना नेट मिलता है, कुछ पतला नेट मिलता है। जो घना नेट है उसका प्राइस थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि ये वज़न का हिसाब से बिकता है, और जो पतला वाला नेट है उसका प्राइस थोड़ा कम होता है, वो भी ज़्यादा संख्या में मिल जाता है थोड़ा कम प्राइसों में। लेकिन ज़्यादा पतला होने से पक्षी जो है इस नेट के अंदर से तालाब में आ जाती है, फिर इस नेट का छेद से ही बाहर की तरफ निकल जाती है। तो ज़्यादा पतला नेट लगाना सही नहीं रहता है। जिस तरह का पक्षी आपका तालाब में सता रही है उस तरह का पक्षी के हिसाब से आप इस नेट को सेट कर सकते हैं। तो यहाँ का सारा प्रोसेस हो गया है, मैं आपको अभी ले जा रहा हूँ तालाब में, आप देख पाएंगे किस तरह से इसको सेट किया जा रहा है। तो इसके लिए बांस का खुट्टी का इस्तेमाल किया हूँ, आप चाहे तो पिलर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आपका तालाब के चारों साइड का पिलर का व्यवस्था है, नहीं इस तरह से बांस का खुट्टी से आप चारों तरफ से इसको बना सकते हैं। ये बांस का मदद से हम नेट को ऊपर से टांगेंगे, जो काफ़ी मजबूती देगी। और इस नेट को किस तरह से टांगा जाता है वो भी मैं दिखाऊंगा। तो ये जो नेट देख रहे हैं ये काफ़ी पुराना नेट है, पिछले 2-3 साल पहले इसको इस्तेमाल किया था, जो ख़राब हो चुका है। और इस बांस को हम तालाब के एकदम साइड में लगाएंगे, जितना हम नेट को लगाना चाहते हैं, पूरा तालाब के चारों साइड से सही हिसाब से लगाना होगा। जहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर बीच में है, साइड में है, और जो मोटा वाला रस्सा है वो भी प्लास्टिक का रस्सा है, आप चाहे तो दूसरा रस्सा का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये प्लास्टिक का जो रस्सा है ये काफ़ी अच्छा होता है, काफ़ी मजबूती देती है और बहुत समय तक ये टिकी रहती है, जिससे आपका तालाब में ये ज़्यादा समय तक सर्वाइव कर सके। तो ये सारा रस्सा को इस तरह से चारों तरफ से टांग के फिर जो नेट हमने लगाए थे उस नेट को इसे रस्से के अंदर से घुसाकर इस तरह से तालाब में चारों तरफ से लगा दिया जाता है। और
चारों तरफ से इस तरह से आप बहुत आसानी से नेट को लगा सकते हैं और साइड के जो हिसाब होता है उसको आप नेट को जो है मिट्टी के साथ रख सकते हैं जहाँ से पक्षी अंदर की तरफ ना जाए। तो इस तरह से नेट को जोड़ के आप एक सेफ्टी दीवार तैयार कर सकते हैं जहाँ पे आप बहुत आसानी से आपका तालाब को पक्षी के हाथों से बचा सकते हैं और मछली को भी सेफ रख सकते हैं। थोड़ा खर्चा ज़्यादा हो सकता है गाइस यहाँ पे, लेकिन आप सेफ रहेंगे, काफ़ी हद तक आप अपना तालाब को सेफ रख पाएंगे, मछली को सेफ रख पाएंगे और ऊपर की हिसाब करूँ तो पक्षी को भी मारने का ज़रूरत नहीं होता है, जो नियम का विरुद्ध है, आप कानून के दायरे में भी नहीं आएंगे। इस तरह से एनवायरनमेंट को भी आप कोई क्षति नहीं पहुँचा पाएंगे। तो गाइस इस तकनीक का इस्तेमाल करके आप अपना मछली को बचाइए, फार्मिंग कीजिए। बड़ा तालाब है थोड़ा दिक्कत हो सकता है, छोटा तालाब में कुछ दिक्कत नहीं है, वो थोड़ा कम खर्चा में हो जाएगा, लेकिन ये चीज़ कर सकते हैं। इस चीज़ को करने से ही आप अपना मछली को सेव कर सकते हैं। तो गाइस छोटी सी जानकारी थी जो मैंने आपको दे दिया, आशा करता हूँ इससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल सकता है।